उदाहरण 8। प्रश्न, दिए गए चित्र 31 में ए बी समांतर सी डी, तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हल, दिए गए चित्र 32 में बिंदु ई से ई एफ समांतर ए बी खींचिए, तब ई एफ समांतर सी डी। चित्र क्रमांक 32 देखिए। चूंकि ई एफ समांतर सी डी और सी ई तिर्यक रेखा है, अतः कोण डी सी ई धन कोण सी ई एफ बराबर 180 अंश। अब हम चित्र में देख सकते हैं कि कोण डी सी ई का मान 100 अंश है, इसलिए x लिखते हैं कोण डी सी की जगह में 100 अंश धन कोण सी ई एफ बराबर 180 अंश, जबकि कोण डी सी ई बराबर 100 अंश। इस तरह से हमें मिलता है कोण सी ई एफ बराबर 180 अंश ऋण एक्स अंश। समीकरण 1। पुनः चित्र देखिए। चित्र में ई एफ समांतर ए बी और ए ई तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण बी ए ई धन कोण ए ई एफ बराबर हमें 180 अंश प्राप्त होता है, क्योंकि कोण बी ए ई और कोण ए ई एफ दोनों सह अंतः कोण हैं। अब चित्र में देखिए आप, कोण बी ए ई का मान 105 अंश है और चित्र में आप फिर से देखिए कोण ए ई एफ पर ध्यान दीजिए। कोण ए ई एफ बराबर है कोण ए ई सी और कोण सी ई एफ का जोड़, इसलिए हम कोण ए ई एफ की जगह में लिख सकते हैं कोष्ठक में कोण ए ई सी धन कोण सी ई एफ बराबर 180 अंश। आगे लिखें इसको 105 अंश धन कोण ए ई सी। चित्र में देखिए कोण ए ई सी का मान 25 अंश दिया हुआ है, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और कोण सी ई एफ, कोण सी ई एफ का मान देखिए समीकरण 1 से 180 अंश ऋण एक्स अंश बराबर 180 अंश। कोष्ठक हटाने पर 105 अंश धन 25 अंश धन 180 अंश ऋण एक्स अंश बराबर 180 अंश। इस तरह से हमें मिलता है 310 अंश। 105 अंश 25 अंश और 180 अंश का जोड़ 310 अंश ऋण एक्स अंश बराबर 180 अंश। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 310 अंश ऋण 180 अंश बराबर एक्स अंश, या हमें 310 में 180 घटाइए मिलेगा हमें 130 अंश बराबर एक्स अंश। इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हुआ एक्स का मान 130 अंश।